अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। अलवी स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक पेज को अप्लाई करने का तरीका दिखाऊंगा कि आपने उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, उस पर पे आउट मैथड कैसे लगाना है, एक नया मैथड कैसे लगाना है, एग्जिस्टिंग मैथड कैसे लगाना है, आपने पेपाल का अकाउंट कैसे लगाना है, आपने बाहर का जो है वो आपने बैंक अकाउंट कैसे अटैच करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को गाइड दूंगा कि जब आप अपना फेसबुक का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं, 5000 फॉलोअर्स, ठीक है, और 60,000 घंटे वॉच टाइम, और उसके अलावा जो आपकी 5 एक्टिव वीडियोस होती हैं, जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं आपको सेटअप की ऑप्शन आ जाती है, तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने अप्लाई कैसे करना है, अगर आप इंडिया या बांग्लादेश में हैं तब आपने अप्लाई कैसे करना है, इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। पे आउट कैसे बनेगा, पे आउट को हम मैनेज कैसे करेंगे, बैंक डिटेल्स कैसे डालेंगे, एक पेज के ऊपर कितने पे आउट लग जाते हैं, कितने बैंक लग जाते हैं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आप लोगों के जो सवाल मुझे आते रहते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह आपको हर चीज़ गाइड करूंगा मैं आज। अगर किसी के पास पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नहीं है तो वो किस तरीके से अप्लाई करेगा, तो सबसे पहले आपने अपने फेसबुक पेज का वॉच टाइम, उसकी 5 एक्टिव वीडियोस और 5000 फॉलोअर्स जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहां से पहले ना मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं ये पेज, उसके बाद जो जो चीजें हम बीच में ऐड करेंगे ना वो सारी चीजें भी बता दूंगा कि मैंने कौन सी चीज कहां से ली है और आपने कैसे लेनी है, क्या करनी है इंशाल्लाह। तो आज मैं भी जो ये पेज अप्लाई करने लगा हूं ना, इसमें मैं पे आउट तो अपने नाम का नहीं लगाऊंगा, किसी का पे आउट यूज करूंगा, लेकिन बैंक डिटेल जो है वो मैं अपनी लगाऊंगा, वो चीजें हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में ना, तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने आरडीपी के थ्रू पेज को अप्लाई करना है, लेकिन अगर आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, दुनिया के जो ऐसा मुल्क है जहां पे पाकिस्तान जहां पे फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल है, तो आपको आरडीपी की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में, तो आपने जस्ट आरडीपी कहीं से भी बाय कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको कोई इस तरह का अच्छा सोर्स नहीं मिलता तो आप मुझसे भी राबता कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी आरडीपी भी सजेस्ट कर सकता, ठीक हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में आरडीपी के अंदर अपने पेज कन्वर्ट कर लेना है, पेज को आरडीपी के अंदर ले जाना है। ये देखें, आपको यहां से सेटअप की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने सिंपल जो है ये सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जिस मर्जी कंट्री से ये काम कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए क्राइटेरिया एक जैसा ही है, सबके लिए जो है वो तरीका एक जैसा ही है, इसी तरीके से आप लोगों के सामने शो होगा हर चीज आप। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहली ऑप्शन नजर आ रही है रिव्यू टर्म्स, ठीक है, ये हर बंदे को एक जैसा ही शो होगा। यहाँ से आपने रिव्यू टर्म्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद ये आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, इसको आपने फुल जो नीचे करके ना, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। तो यहाँ पे देखें, नीचे एग्री टू टर्म्स की ऑप्शन आपको आ रही है, इस पर आपने सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाएगी वो सेटअप पे आउट अकाउंट आ जाएगा। अब ये सेटअप पे आउट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे वो आपसे पेज का नाम पूछेगा कि कौन से पेज पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपके पास मल्टीपल पेज होंगे तो वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से सिंपल इसको नेक्स्ट कर लें आप। नेक्स्ट करते ही ना आपके पास ये सेटअप पे आउट की ऑप्शन आ जाएगी। अब इस जगह पे कई लोग गलती करते हैं, जरा ध्यान से सुनना है आपने। मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करूंगा ना वो ये है कि आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर ना मल्टीपल पे आउट और बैंक अकाउंट लगाया करें, क्योंकि इससे ना अगर आप फर्ज करें, आप अगर कोई किसी को आगे बाद में आपको सेल करना पड़ जाता है पेज के, अगर आपने कोई मोनिटाइज पेज है उसको आपने कहीं बाहर मार्केट में सेल करना, तो अगर एक ही पेज के ऊपर आपने आपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर एक ही पे आउट लगाया होगा ना, तो अगर आप उसको सेल करेंगे तो फिर उसके साथ वो दूसरा पे आउट भी आपको उसके साथ चला जाएगा। तो आप कोशिश ये आप लोगों ने करनी है कि जितने भी आपके मोनेटाइज पेज होंगे ना, हर पेज के ऊपर आप अलग पे आउट लगाएं, अलग बैंक अकाउंट लगाएं, तो इससे आप लोगों को जरा आसानी रहेगी, मैनेज करने के लिए भी आसानी रहेगी। और इन केस अगर बैंक डिटेल्स के अंदर कोई इशू आ जाता है ना, तो आपके बाकी पेजेस जो है वो सेव रहते हैं। अव्वल तो बैंक बहुत कम ही होता है कि आपको बैंक डिटेल्स के अंदर कोई इशू आए, लेकिन अगर इन केस आ भी जाता है तो आपके बाकी पेज जो है वो बच जाते हैं, क्योंकि हर पेज जो है वो आपके अलग पे आउट अलग बैंक अकाउंट पे बना होता है। क्रिएट न्यू बिजनेस पे आपने जो है ना वो इस पे जस्ट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस जगह पे ना आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री। अगर आपका कोई इस तरह का बंदा है जो बाहर के मुल्क में रहता है, या आप खुद अगर किसी पाकिस्तान से हटके किसी कंट्री में रहते हैं, तो आप अपनी सारी डिटेल्स इस जगह पे बिल्कुल ठीक से भी डाल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीजें आप सारी कहां से ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे तो यही डिटेल जो है वो सेम आपसे मांगेगा। तो ये तमाम डिटेल्स ना मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है, वहां से मैं उठा के ना इसके अंदर कॉपी कर लेता हूं। आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कहां से उठानी है, कैसे करनी है। तो देखिए, इस जगह पे पहला नाम है ये जो है ना, इस पेज को मैं यहां से कॉपी करके अपनी आरडीपी के अंदर चला जाता हूं और यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मेरा ये फर्स्ट नेम हो जाएगा। इसी तरीके से जो है मैं सेकंड नेम ले लूंगा, सेकंड नेम को यहां से मैं जो है
है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने लास्ट नेम के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद देखें इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, April 7। ये सारी चीज़ें आपने बड़ी ध्यान से करनी है, ये अगर आपकी ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई ना तो आपका पेज रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए डिटेल्स आपने बिल्कुल ठीक डालनी है। यहाँ से ये मैंने डाल दी इसकी, ठीक है। आप यहाँ से मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। अगली ऑप्शन आपकी कंट्री आ गई, तो ये यूनाइटेड स्टेट मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पे आउट जो है वो यूनाइटेड स्टेट का है। RDP भी इस टाइम जो है वो यूनाइटेड स्टेट की है। आप पाकिस्तान के अलावा कोई भी एलिजिबल कंट्री का इस जगह पे पे आउट या कंट्री जो है डाल सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के अलावा जितने भी आपके, ठीक है। कंट्री सिलेक्ट हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिजनेस टाइप पूछ रहा है, तो ये हम सिंपल यहाँ से इंडिविजुअल कर लेंगे। आप LLC भी अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल इंडिविजुअल के हम अपना खुद का पे आउट जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं हम। उसके बाद देखें वो उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम। आगे देखें होम एड्रेस आ रहा है, होम एड्रेस आपने इस जगह पे डाल देना है। और होम एड्रेस के बाद देखें इस जगह पे सिटी, ये सारी चीज़ें मैं अपनी RDP से ही पिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद देखें ये स्टेट की ऑप्शन आ रही है, स्टेट भी जाके हम डाल देते हैं। जिप कोड है, जिप कोड भी हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद मोबाइल नंबर आता है। मोबाइल नंबर आप यहां से कोई भी डाल सकते हैं। आप USA के पैटर्न के मुताबिक इस जगह पे अपना जो है वो नंबर ऐड कर दें। उसके बाद दोस्तों एक ज़रूरी चीज़ जो है ना वो आपकी ईमेल है, कि आपने ईमेल को अच्छे तरीके से डालना है, जन्मन डालनी है। हर चीज़ भी हमने फेक नहीं डाली जानी, तो ईमेल जो है ना आपने जन्मन डालनी है, क्योंकि उस पर कोई भी पे आउट का आपके पेमेंट आ रही है, जा रही है, कोई अपडेशन है, ठीक है, ठीक हो रहा है, काम गलत हो रहा है, हर चीज़ आपको ना ईमेल के ऊपर आया करेगी, उसका नोटिफिकेशन आया करेगा। तो ईमेल आपने इस जगह पे बिल्कुल ठीक डालनी है। तो सिंपल आपने उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका पे आउट जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आगे जो है ना आपके बैंक डिटेल्स मांगेगा, वो आप सुन लें। अब यहाँ पे ये तीन ऑप्शंस कह रहा है कि साइन इन योर बैंक, ठीक है, आप जो भी अगर आपका बैंक इस जगह पे ऑलरेडी लॉगिन है वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आ रही है मैन्युअली लिंक बैंक अकाउंट, कि अगर आपके पास मैन्युअली किसी बैंक की लिंक है, डिटेल्स हैं, वो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पेपाल है तो पेपाल भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों जिनके पास बैंक नहीं है, ठीक है, उन्होंने बैंक कहाँ से लेना है, जिनके पास पेपाल नहीं है उन्होंने पेपाल कैसे लेना है, और पाकिस्तान में बैठ के आपने पेपाल अकाउंट कैसे बनाना है, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान में रहते पेपाल से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखें दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, तो हम दोस्तों यहाँ से मैन्युअली बैंक अकाउंट पे जाएंगे कि हमने सारी चीजें अपनी मैन्युअली पुट करनी है। तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। अच्छा देखें इस जगह पे कंट्री आ रही है, तो यहाँ से हम अपनी कंट्री जल्दी से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखें यहाँ पे हमने USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चूज़ किया। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, बैंक अकाउंट होल्डर नंबर चाहिए होगा, अकाउंट होल्डिंग नेम है, उसके बाद राउटिंग नंबर है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने RDP के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। राउटिंग नंबर भी इसी तरीके से मेरे पास पड़ा हुआ है, अकाउंट नंबर भी पड़ा है, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। इतनी इसी चीज़ें जो हैं वो आपको सिर्फ चाहिए होती हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आने वाली। मोहम्मद जुनेद शौकत जो है, मैं यहाँ से इसका नाम भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल लिंक पे आउट मेथड पे आपने क्लिक करना है। ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, ठीक है। मैं RDP के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो RDP भी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए आपके पास। अच्छा दोस्तों, अब इस जगह पे ना वो आपसे टैक्स इन्फो मांग रहा है कि अगर आप USA सिटीजन होते हैं तो आप इस जगह पे अपनी टैक्स इन्फो डालें। अच्छा आप इसको ना लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप उसी टाइम कर लें, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। इस जगह पे ये हमसे पूछेगा RU US सिटीजन, ठीक है। इसको आप सिंपल यस कर दें कि हम भाई USA के सिटीजन है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा इस जगह पे देखें नेक्स्ट पे जो हमने पे आउट पे नाम डाला था वो आ रहा है। तो इसके बाद देखें SNN डिटेल्स आ रहा है, SNN डिटेल्स और TNN पे करके इस जगह पे हम अपना SNN डाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे से बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, कैसे लेनी है, क्या करनी है। तो यहाँ पे अपना वो डाल दिया नंबर, ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। इन सारी डिटेल्स को आप एक दफ़ा चेक कर लें, वो आपको एक दफ़ा सारा रिव्यू करवा रहा है, और इसको आप नेक्स्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, और तो पहला ये ऑप्शन आप यहाँ से इसको चेक मार्क पे रखना है आपने, और इस जगह पे ना आपसे सिग्नेचर मांग रहा है। इस जगह पे आपने नाम लिखना है बेसिकली अपना। तो हमारा फुल नेम क्या था जो हमने पहले भी नाम डाला, उस जगह पे हम इस जगह पे नाम डाल देते हैं। जिस नाम पे हम पे आउट लगा रहे होंगे ना, उसका फुल नाम इस जगह पे हमने डाल देना, ठीक है। इसको हम सिंपल नेक्स्ट कर लेंगे, और डेट भी जो है आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। हमने नेक्स्ट कर लिया।
उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं ना दोस्तों, तो आपके सामने एक मुकम्मल फॉर्म जो हमने पीछे फिल किया है वो हर चीज़ आप लोगों के सामने इस जगह पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है, ये सारी डिटेल्स आपने देख लेनी है कि आपने सारी चीज़ें ठीक की हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट फॉर्म पर जो है वो क्लिक कर लें। अगर आपके पास कोई मिस्टेक हो गई है तो आप मेक चेंजेस पर जाकर उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल हम सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपकी ये डिटेल्स कंप्लीट हो जाती हैं, आपको आ जाता है इस जगह पे योर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ कंप्लीट। ठीक हो गया दोस्तों, बस इतना सा काम था। यहाँ से इसको आप डन कर दें, आपका जो पेज है वो अप्लाई हो जाएगा, वो रिव्यू के अंदर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ बात समझने वाली है, कोई मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑन है ऑफ है। तो दोस्तों ये चीज़ें मेन चीज़ जो थी ना आपको सिखाना, तो इस चीज़ की जो बात होती है फेसबुक ही आप लोगों को बताएगा कि वो कब अप्लाई कर रहा है। मैंने पिछले दिनों 9 पेजेस अप्लाई किए थे, उनके अंदर से 2-3 पेजेस जो हैं मेरे फौरी उन्होंने अप्रूव कर दिए। इसके अलावा जो बाकी मेरे पेजेस थे वो अभी तक स्टिल रिव्यू के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हौसला करना पड़ेगा। सम टाइम होता है कि आपका वो 2 दिन के अंदर ही आपको अप्रूव कर देता है, और सम टाइम ऐसे होता है कि वो आपका पेज जो है वो थोड़ा सा लंबा भी चला जाता है। ठीक है, 10 दिन भी लगा देता है, 15 दिन भी, 2 वीक भी लगा देता है, लेकिन इंशाल्लाह अप्रूव्ड हो जाता है अगर आपके पेज के अंदर कोई मसला नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से सबमिट फॉर रिव्यू पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक के पास रिव्यू में चला जाएगा। अब फेसबुक इस पेज को अच्छे तरीके से तहकीक करेगा, तसल्ली करेगा, उसके बाद आपका पेज जो है ना वो मोनेटाइज कर देगा। ठीक है, देखें ये आपके पास ग्रीन हो गया, योर सबमिशन वाज रिसीव। ठीक है, आगे नीचे पढ़ लें ये क्या लिखा हुआ, इसको सिंपल आप ओके कर दें। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था आपका पेज अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप किसी भी कंट्री से हो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अपना पे आउट बैंक डिटेल ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है। तो दोस्तों अब बात आती है कि जिन लोगों के पास अपना पे आउट मैथड नहीं है, जिन लोगों के पास अपना बैंक डिटेल नहीं है, जिनके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है, वो किस तरीके से सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप फेसबुक मोनेटाइजेशन का एक कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको A to Z फेसबुक मोनेटाइजेशन की हर चीज मुसल शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर गाइड की जाती है, लाइव जूम पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, उस व्हाट्सएप के नंबर पर आप रब्ता करें, अपनी इनरोलमेंट करवा लें। बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, और यकीन करें कि फेसबुक आपको मालोमाल भी कर सकता है अगर आप इसकी तमाम स्ट्रेटजीज के साथ सारी गेम जानते हैं। तो एक एक वीडियो भी जो है ना आपको $3,000-4,000 दे जाती है। तो इस काम को जानी इजी नहीं लेना। ठीक है, अगर आपको ये काम नहीं आता तो इसको आप सीखें। ये कॉस्ट जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हज़ारों के अंदर इसकी कीमत है, जो बिल्कुल हल्की सी मामूली सी रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों से लेके आप लोगों को मुकम्मल कोर्स मैं खुद जो है ना वो आपको करवाता हूँ। अच्छा, तो बात आ गई अब पे आउट की। तो दोस्तों पहली ऑप्शन जो है ना इसके अंदर वो है पेपाल अकाउंट। अब आपने पेपाल अकाउंट कहाँ से लेना है तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप भी ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पर भी ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको पेपाल का अकाउंट बना के सर्विसेज दे देते हैं। हमारी टीम के अंदर भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आपको पेपाल की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, वो 1500-2000 रुपए लेके आपको पेपाल की अकाउंट की जो डिटेल्स है ना वो आप लोगों को दे देते हैं। आप पेपाल का अकाउंट बड़ी सिंपली तौर से जो है ना वो डाल के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लोग आपकी डिटेल्स पे पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में आपको बना के दे देते हैं। तो जब आपका पेपाल बन जाएगा तो जहां पर मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स अटैच की थी वहां पर आपने अपना पेपाल का अकाउंट लगा लेना, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा, जब आपकी पेमेंट आनी होगी तो उसको हटा के आप पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स भी लगाएंगे तो आपको पेमेंट आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहां से ना दूसरी ऑप्शन देता हूं, एक वेबसाइट है vice.com। ठीक है, आपने इसको जो है वो सिंपल सर्च कर लेना है। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आप लोगों को इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना के जो है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझसे कमेंट में, अगर ज्यादा लोगों ने मुझे कहा कि वाइस पे भी एक वीडियो होनी चाहिए तो मैं आपको वाइस के ऊपर भी जो है ना vice.com ये वेबसाइट है जहां पे आपका एक बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, मैं सारा आपको कंप्लीट करके दिखा नहीं सकता इस टाइम क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक आईडी कार्ड पे एक बैंक अकाउंट आप यहां से बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है कि तकरीबन 3,000-3,500 रुपए आपको बैंक में अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है, लेकिन वो जमा करवाने के बाद जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है तो आपको वो जो है वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, आपको तकरीबन 100-150 रुपया लगता है आपका, 3100 या 3150 रुपया इस तरह आपसे पैसे कटते हैं। तो उसके बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो वो 3,000 रुपये आपको वेरीफाई जो है ना वो रिडीम हो जाता है, दोबारा आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई 100-150 रुपये में ही आपका ये काम हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। सारी बैंक डिटेल्स उठा के आप अपने पे आउट के ऊपर, अपने बैंक डिटेल्स के ऊपर डाल सकते हैं, आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ये यूएसए का बैंक होगा wise.com, ठीक है, ये डॉलर वाला बैंक होगा तो आपका बड़ी जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरी ऑप्शन जो है ना वो आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने पे आउट बनाते हुए SNN डिटेल्स डाली थी, ठीक है। ये चीज़ आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा आप, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर चीज़ खोल के जो है ना वो आप लोगों के सामने रख दूँ ताकि आपका हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये SNN डिटेल्स जो है ना ये आपको मार्केट में मिल जाती हैं, ठीक है। इसकी सर्विसेज हम भी लोगों को देते हैं। उस SNN के अंदर ना आपको हर चीज़ मिल जाती है, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी लोकेशन, जो भी आपका क्या होता है एड्रेस होता है, आपका जिप कोड होता है, ये सारी चीज़ें आपको ना उसके अंदर मिल जाती हैं। और अगर आप बैंक कोई भी नहीं बीच में डाल सकते तो बैंक के लिए भी लोग मिल जाते हैं, वो भी लोग सर्विसेज देते हैं और मजेदार बात के हम भी देते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों एंड पे ना मैं आप लोगों को एक सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा, ठीक है। आप सब मेरे भाई हैं, आप लोगों को ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे आप कुछ भी मामला जो है ना वो करवा सकते हैं। और एक मेन बात जो मैं आप लोगों को करने लगा हूँ ना, इस बात की गहराई में ज़रा जाइएगा कि पैसे जो है ना वो कमाना मुश्किल है, पैसे निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप पैसे कमाएं तो निकालने के हल हज़ार निकल आएंगे, आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करें उसके बाद अप्लाई करने के मसले हल हज़ार आगे निकल आएंगे, ठीक है। तो जो मेन चीज़ होती है ना, आपका पैसा कमाना मुश्किल होता है, पैसा निकालना मुश्किल नहीं होता। वो तो आप मेरे पास भी आएंगे ना तो मैं भी आपको निकाल के दे दूंगा, या दुनिया के किसी भी बंदे के पास जाएंगे वो भी निकाल के आपको दे देगा। हर तरह की सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मेन बात यह कि मेहनत करें, काम स्टार्ट करें, अपने प्रोफेशनल को लेकर सीरियस हो जाएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।